ये वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पर विकलांग की ओर से जो आपने मेमोरेंडम दिया है, तो क्या डिमांड है आपकी? जी, हम आज कांग्रेस विकलांग सेल और दिव्यांग आदल विकास संस्था की जानिब से आज हमने ये वक्फ बोर्ड से ये मांग की है कि 2016 में हुकूमत हिंद ने सभी हिंद के विकलांगों को 5% आरक्षण हर शोबे में दिया था, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो दिव्यांगों की नीति का मामला हो, हर शोबे में। लेकिन जो वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारत ने बदले वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी तक वो जीआर पे अमल बजूनी नहीं की है, और विकलांगों की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड की जो खाली ज़मीनें हैं तो वो विकलांगों को अलाउड की जाए, ताकि विकलांग अपना जो गुजर बसर उस पर किया जाए। ये बोलते आज हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब वजाहत मिर्ज़ा साहब को ये मुतालबा किया है। नहीं तो ये तो कांग्रेस की है चेयरमैन साहब जी, और फिर आपकी डिमांड पूरी कैसी नहीं हो रही? जी, ये डिमांड इसलिए पूरी नहीं हो रही है जिससे ये जो हालांकि ने मैं कांग्रेस पदाधिकारी होने के बावजूद भी ये कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे हालांकि भी है जो अपनी जेबें भर रहे हैं। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के हालांकि से कि वक्फ बोर्ड कहती है कि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास माली हालत ठीक नहीं है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे वक्फ बोर्ड की मीटिंग चालू है। ये 5-star होटल है, यहाँ पे 75 रुपये में चाय मिलती है, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है कि आपने 5-star होटल में मीटिंग ली है? ये मीटिंग तो वक्फ बोर्ड के ऑफिस में होना चाहिए था, ये मीटिंग सुबेदारी के साथ में होना चाहिए था। जब वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें नहीं है, तो आप इतने ऐशो आराम के इतनी मीटिंग कैसे ले रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मुदसिर अंसारी, मैं शायद अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग सेल था, और हमारे हमको प्रतिमा देने में आज दिव्यांग आदल संस्था के जिम्मेदार ने भी हमें प्रतिमा दिया है, हम इनका भी मशहूर है मंगनी ने, और वक्फ बोर्ड के हालांकि ने हमें यह तयकुन दिया है कि आपकी तजवीज़ जल्द से जल्द मंजूर की जाएंगी। अगर ये तजवीज़ मंजूर नहीं की जाती है तो आने वाले 3 दिसंबर को हम वक्फ बोर्ड पर ताला लगाओ आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह।